अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव टीवी न्यू फ्रेश वीडियो। दिस इज मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सैमसंग के M11 का। तो आपको पता है कि सैमसंग ने एक मोबाइल लॉन्च किया है मिड रेंज के अंदर M सीरीज को। जैसे कि आपको पता है सैमसंग पहले लॉन्च कर चुका है A सीरीज, तो उसके बाद अब सैमसंग ने फाइनली M सीरीज लॉन्च करनी शुरू कर दी है। M सीरीज जो कि सैमसंग ने अपना पहला मॉडल लॉन्च किया M11 के नाम से। तो उस तक बढ़ने से पहले आपसे छोटी सारी गुजारिश है, इस वीडियो का लाइक, इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 लाइक, जैसे आपने पिछले वीडियो का भी लाइक टारगेट कर दिया था मुकम्मल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका भी कर दें जल्दी से मुकम्मल। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरह। तो M11 का करेंगे रिव्यू, जो कि सैमसंग ने 28,000 रुपए में लॉन्च किया है। आप अगर ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो 27 तक आपको मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो जारी बात 28 तक ही मिलेगा। तो बात करें इसमें चिपसेट कौन सी है, तो स्नैपड्रैगन 450 डाली गई है। चिपसेट ने जो चिपसेट इसमें डाली है वो इससे पहले A11 में भी डाली है, तो जो कि हमें 22,000-23,000 रुपए में देखने को मिलता है मोबाइल फोन। इसके अंदर अगर ये इस मोबाइल फोन की बात की जाए M सीरीज की M11 की, तो इसके अंदर आता है एक ही वेरियंट आता है 3/32 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बात की जाए इसके दूसरी स्पेसिफिकेशन की, तो ये क्या 5,000 mAh इसमें बैटरी डाली गई है और 15 वाट का फास्ट चार्जर है। बैक की बात की जाए, बैक पर इसके ट्रिपल कैमरा सिस्टम डाला गया है जो कि 13 MP का मेन सेंसर है, बाकी 5 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 MP का डेप्थ सेंसर डाला गया है। बात की जाए फ्रंट, 1.5 MP का फ्रंट कैमरा है जो कि वाइड एंगल के साथ आता है। उसके बाद बात की जाए 5,000 mAh बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जर भी साथ दिया गया है। अगर इसके साथ में और चीजें मेंशन करूं तो ये एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है, जो कि सैमसंग का लेटेस्ट अपडेट है। सैमसंग से पहले अपने बड़े बड़े सैमसंग अपने खाल है, सैमसंग जो B20 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है, नोट 20 अल्ट्रा में उसने भी इसने ये 10 लॉन्च किया है। ये सैमसंग का यानी कि लेटेस्ट वेरियंट है एंड्रॉइड 10, 4G सपोर्ट करता है और डुअल सिम के साथ ये आता है। बात की जाए मेमोरी कार्ड की, तो इसमें आप लगा सकते हैं गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी शायद इसमें दी गई है, नहीं ये कन्फर्म नहीं है, बकाया आपको स्पेसिफिकेशन बता दी गई है 28,000 रुपए में। तब बात आती है हमें खरीदना चाहिए या नहीं। सो सैमसंग अभी ये पहली सीरीज लॉन्च की है, इसका पहला मॉडल लॉन्च किया, अभी सैमसंग इससे आगे और भी मॉडल लॉन्च करने वाला है। इसके बाद सैमसंग मेरा ख्याल M21 लॉन्च करेगा, जो कि तकरीबन 34,000 रुपए की रिटेल प्राइस रखी जा रही, सोचा जा रहा है हो सकती। सैमसंग M11 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और तो हम सोच रहे थे कि हर हफ्ते एक सीरीज लॉन्च करें जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स मोबाइल फोन के बारे में बताएं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।